जो है हमारे जो आज की फसल है टमाटरों की, उसको देखो जो बहुत ज्यादा पक जो चुके हैं तोड़ पक लो। चुके हैं वो हम तोड़ेंगे। हाँ जो बहुत पके हैं चेक करो। नहीं ये पूरा अभी पका नहीं है, आई थिंक अच्छा ये सर। थोड़ा कच्चा है अभी, इसको इतना मत मूव करो वरना ये खराब हो जाएगा। एक पीछे मुझे दिख रहा है बहुत ज्यादा राइप दिख रहा है वो पीछे, बिल्कुल ये रहा आई थिंक ये पीछे, ओवर राइप हो चुका है, जरूरत से यस। ज्यादा पक और चुका ये है इनमें अपने से। आप ही टूट के गिरने वाला था, उससे पहले ही हम इसको तोड़ इसको तोड़ लो, लेंगे। ये लो, ठीक है रखो इसको ट्रे के अंदर। अगला देखो कौन सा है जो ज्यादा राइप हो चुका है। बैठ के देखना पड़ेगा हाँ यार। वो अभी एक पूरे वाला राइप हुआ, नहीं हुए, एक है ये पूरे राइप नहीं हुए। नहीं, ये वाला, इधर जो है ये जो टमाटर हैं दोनों, एक ये एक समझ लो ये है ऐसे, राइप, एक ये हो है सकता है, ये वाला, ये ये दोनों वाला लिए जा भी। सकते हैं, दोनों ठीक है ये। ये हरा है अभी ना, वैसे अभी नहीं है, छोड़ो अभी नहीं लो, ये वाला मैंने ले लिया, ये ले हो लिया चलो चुका कोई है बात नहीं। पीछे है दो चार काफी लाल। नहीं अब ये देखो ना अंदर पीछे छुपे हुए हैं, वो नहीं, वो अभी राइप नहीं हुआ। ये वाला। नहीं ये अभी राइप ले लो, चलो निकाल लो इससे पहले कि ओवर राइप हो जाए, तो इसको भी तोड़ सकते हो। और फॉर दैट मैटर हम ये इसको लो, भी तोड़ सकते हैं, इस वाले को भी, ये भी हाँ राइप है, इसको भी तोड़ लो। ये भी टमाटर पक चुका है, लाल हो चुका है पूरा, ये देखो। निकाल लो इसको भी। और जो टमाटर हमारा पका हुआ है अभी, ये झाड़ी है टमाटरों की, इसके अंदर एक बहुत, हमें देखो ये पीछे नजर आ रहा है, इधर से इसको नजर निकालो, आया जैसे कि ये टमाटर वाला, है इसको निकालो बाहर, ये भी ये पक चुका है हमने पूरा। निकाल लिया है। ये बिल्कुल फ्रेश टमाटोज हैं, अभी नहीं, फ्रेश टमाटोज से हम कुछ पकाएंगे अभी। यहाँ पे भी एक पूरा निकाल रेड है, एक और रेड है, एक निकाल सेकंड, ये पूरा रेड है, ये लिया भी हमने, निकालो, इसको भी निकाल लो। निकाल लो, ये हमने निकाल लिया यहाँ ठीक पे। है ये अब इतने हमने ऑरेंज, टमाटोज ये निकालनी है भी एक बाहर। और रेड है पूरा, दिखाओ। देर इज वन हाँ मोर टोमेटो, इसको भी यार कवर यार, करो, ये निकाल लो लो इसको भी। चलो सबकी एक मुंडियाँ दो, तोड़ दे। अब ये इतने सारे टमाटोज, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ टमाटोज हमने निकालनी है, बाकी अब छोड़ते हैं। और अभी मेरे ख्याल से ये दो तीन दिन में और टमाटर पक जाएंगे, तब हम इनको और निकाल और लेंगे। निकाल लेंगे। मुझे किधर है, अब हम अपने किचन गार्डन में आ चुके हैं, अब इसमें से कौन सा निकालोगे। आई थिंक ये मुझे जो यहाँ पे मूली जो है, मूली नजर आ रही है ना, ये हाँ पूरी पकी हुई ये है, पूरी तो पक हम चुकी है, इसको ये काटते देखो ये हैं, रही, दिस इज फुल्ली राइप, जरा सा पूरी राइप हो चुकी अंदर है, जा इसको रही तो है। हल्का सा खींचोगे हाथ में आ ये जाएगी। देखिए नाइस, क्या बात है, दिखाओ मैं मिट्टी झाड़ लूँ। ये देखो ये मूली है, ठीक है नाइस, पूरी राइप हो चुकी है, रख दो इसको भी। मिट्टी एक झाड़ ये दो, मूली निकली, मूलियाँ शायद और भी निकलेंगी, जस्ट चेक मिट्टी करो। झाड़ दो। मूलियाँ चेक करनी पड़ेगी हमें ना, वहां पर एक है। आ जाओ थोड़ा आगे आओ, ये ये आज देखो, हमारे किचन गार्डन में बंदर आ गया और उसने एक आम तोड़ के खा लिया और आधा काट के खा के चला गया, क्योंकि अब ये पका नहीं था। उसको खट्टा लगा होगा ना, इसलिए छोड़ दिया खट्टा लगा इसलिए वो छोड़ फिर दिया, जम बताओ गया। और हमारा एक आम का ये, नुकसान कर दिया। हाँ कोई बात एक और, नहीं, एक सेकंड ये मूली को कवर करूँ जरा, देख लेने दो मेरे को एक बारी। ये एक मूली और है यहाँ एक पे, मूली ऑलरेडी है जमीन में, पक ये चुकी देखो। है, वाह, ये भी पूरी मूली ये तो तैयार बन है, चुकी है। ये ये इसको भी भी हमारे छाट ट्रे लो में रख थोड़ी दो, सी, कोई बात नहीं है, बाद में हो जाएगा इसको भी उल्टा ट्रे में इसका। रखो, इसको बाद में धोएंगे ना अच्छे से। हाँ अब ये मूली हो चुकी है दो और मूली हो गई बस, और तो हमें यहाँ पे मूली नजर नहीं आ रही है, लेकिन दो मूलियाँ निकली काफी बड़ी बात है। और दो मूलियां ये पूरी हम पक चुकी इसको थी, सैलेड की तरह खाएंगे, सैलड राइट, सैलेड बना। की तरह भी खा सकते हैं, इसके पराठे भी बन सकते हैं, हाँ मूली के राइट। पराठे काफी मोटे हैं, बन सकते हैं पराठे। और और भी इधर चीजें हैं जो खोदने वाली हैं, निकालने वाली। फॉर जैसे एग्जाम्पल अब ये वाला जो पौधा है ना, ये आलू का पौधा है, इसको खोदो, इसके अंदर आलू पूरे पक चुके हैं, मेरा विश्वास है। अभी ये बांध के गया हुआ है रामू जी ये ना। बांध के गए रामू जी, तो हाँ इसको अभी छोड़ते हैं फिर छोड़ हम। देते हैं, हम एक दूसरा पौधा लेते हैं जो हम वहां कि से नींबू निकालेंगे। ये क्या है छोटा छोटा, ये मिर्चें हैं, दो तीन दिन पहले मैंने नींबू निकाले थे, तो वहां पे कुछ नींबू हरे थे, तो अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे नींबू तैयार है, तो हम यहाँ से अपने नींबू निकालेंगे जो हमारे पूरे पक चुके हैं पक भाई, ये चुके तो हैं, ओवर राइप लग रहे हैं मुझे, बहुत ही पीले हो चुके हैं। तो ये तो भी हाँ निकाल लो इसको, एक इसको ये तोड़ो, नींबू, इस पे निशान है ये, ये और ये साइड वाला भी, अभी रुक दो, ये तो निकाल लिया कोई बात नहीं, थोड़ा कच्चा था ये। कोई बात नहीं। और एक पीला नींबू उस तरफ भी मुझे दिख रहा है, ये ये एक थोड़ा ये सा, पक चुका है, एक ये दिखाओ पक चुका है, ये नींबू पक चुका है थोड़ा सा बिल्कुल। ये देखो ये पूरा जो पेड़ है ना नींबू से भरा पड़ा है, ये पूरा नींबू ही नींबू है, इसमें नींबू ही नींबू है, आप गिनते ही रहिए बस, ये देखो। अभी मत तोड़ो क्योंकि अभी इतने रिक्वायरमेंट नहीं है, उतने ही तोड़ो जितने की जरूरत है। अभी हम हमने ले चलेंगे ना, पांच नींबू, हाँ ये चलो हमने पांच नींबू निकाल लिए, बहुत है, जी सफिशियंट है ये। फिर एक और निकालो आगे, ये रहा एक और है, ये दो नींबू और तैयार मुझे नजर आ रहे हैं यहाँ पे, हाँ। ये दोनों नींबू तैयार हो चुके हैं, ये दोनों रेडी नींबू और हैं, ये आपके व्हाइट शूज इन दोनों कैसे, को तोड़ लो, ये वाले ये मैंने दोनों नींबू निकाल लिए, ये इधर देखो, इधर, ये वाले, ये यहाँ ये पे भी भी निकाल दो लो, ये भी नींबू, निकालो, ये दोनों नींबू ये निकालो। लो मामी जी।
आई थिंक तकरीबन इसमें डालता हूं मुझे पांच से गिरने। चलो ये सारे के सारे नींबू तुमने, यहां पे भी और नींबू है, इतना घना हमारा ये किचन गार्डन है। ये भी ओवर राइप है, निकाल लो इनको भी, देखें जरा थोड़ा जूम करके। ठीक है, वेरी नाइस। इसको ट्रे में रख दो, दिखाओ जरा ट्रे में कितने नींबू हो चुके हैं हमारे पास। शो मी द ट्रे। 1 2 3 4 5 6 7 दिखाओ। 9 10 11 11 शो मी द ट्रे। तो अभी इतने सारे टमाटर, इतने सारे नींबू और ये मूलियां निकल चुकी हैं। अभी हम देखेंगे, हमने यहाँ शलजम भी बोए थे, जरा वो देखो, ये सारे शलजम बड़े हो चुके हैं। जरा ये जो बड़े वाले पत्ते हैं ना, सबसे बड़े, जो सबसे बड़े पौधे हैं, एक बार इनको ट्राई करो, ये वाला निकाल के देखो। हाँ, इनको खुरपी से ट्राई करो। वेर इज द खुरपी? खुरपी, खुरपी लेके आओ। मिर्चे हैं यहाँ पे, कुछ मिर्चे इस पौधे में। तो हमने नींबू तोड़ लिए, अब हम यहाँ से 2-4 मिर्ची और निकालेंगे जो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। एक तो हमारी ये है, इसको हमने तोड़ लिया है, और ये तुरंत जल्दी जल्दी सारी मिर्चे तोड़ लो जो हमारी रेडी है खाने लिए, जो रेड हो चुकी है उनको भी तोड़ लो। ठीक है, ये देखिए इसमें कुछ मिर्चे ना लाल हो गई है, तो हम सारी मिर्ची जो हो चुकी है। ये पौधा ऐसा है कि इन मिर्चों की हाइट इतनी, लंबाई इतनी होगी। ये अफ्रीकन बर्ड्स आई चिली है। हाँ, ये इतनी सारी मिर्चे, ये हमने अभी 8-10 मिर्चे निकाली है, और उसमें से कुछ मिर्चे लाल, 2 मिर्चे लाल हो गई है। अफ्रीकन बर्ड्स आई चिली है, एक और ये आ गया इतनी ही बड़ी होती है। तो जो तैयार थी वो हमने निकाल ली है, और ये भी हम अपने स्टॉक में रख लेते हैं। ये हमारा दूसरा गमला है जिसमें हमारी मिर्चे हैं अफ्रीकन बर्ड्स आई चिली, इनमें से भी निकालो। हाँ, ये रेडी है, जो रेडी है मिर्चे उनको भी निकाल लो। वेरी गुड, निकालो। मेरे ख्याल से दो तो ये लाल आ गई। हाँ, एक और है ये वाली, और एक ये, दो हरे दो लाल। चलो ये भी स्टॉक हमारा सब्जियों का, जो हमारा किचन गार्डन से हमने जो निकाला है स्टॉक, लेमन्स हैं, टमाटर हैं, मूली है, हरी मिर्चें हैं। अभी हमारा दूसरा प्लांट है मिर्च का, ये दूसरी वैरायटी है मिर्च की। इसमें भी कुछ मिर्चें तैयार हैं। ये मिर्च उग चुकी है, ये देखो पूरी मिर्ची दिस इज रेडी। और चेक करो कहाँ पे रेडी है चिलीज, जो रेडी है वो निकाल लेते हैं। और इसमें अभी फ्लावर्स तो बहुत सारे आए हुए हैं, लेकिन अभी, अभी, ये अभी वो आएंगी, अभी ये अभी आएंगे, बहुत सारे अभी फ्लावर्स आए हुए हैं इसमें, अभी ये मिर्चों में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसमें से फिलहाल एक मिर्च निकली है, वो ये वाली है, बड़ी मिर्ची निकली। यहाँ पर एक छोटा सा पौधा लगा हुआ है, इसमें भी हमारी एक मिर्ची रेडी है, तो हम इसको भी निकाल लेते हैं। ये देखिए ये हमारा बिल्कुल फ्रेश वेजिटेबल्स का स्टॉक इकट्ठा हो चुका है किचन गार्डन से। आज हमने अपनी ये जो वेजिटेबल्स हैं हमने ये निकालनी है, और अब इनको हम कुक करेंगे। इसका शायद हम मूली का पराठा बनाने की कोशिश करेंगे, लेमन्स यूज़ हो जाएंगे, टमाटोज यूज़ हो जाएंगे, और जो ग्रीन चिलीज हैं वो भी यूज़ हो जाएंगे। तो ये थी हमारी किचन गार्डन की आज की हार्वेस्ट, ये टमाटो हार्वेस्ट, लेमन हार्वेस्ट एंड मूली हार्वेस्ट, चिली हार्वेस्ट ऑल्सो। हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। ऐसे नहीं नॉर्मली नहीं बाबा, ये नहीं बुरा नहीं है, यही करो। ठीक है, अच्छा लग रहा है ये। रेडी, हमने अपने किचन गार्डन से इतनी सारी चीजें निकाल ली है, जिसमें नींबू है, टमाटर है, मूली है, और ये मिर्ची है, हरी मिर्चियां हैं। तो हमारी जो भी फसल अभी पकती चली जाएगी निकालने के लिए, वो हम आपके सामने लेके आते रहेंगे। तो हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और कुछ कमेंट में कहना चाहते हो तो प्लीज़ हमारे लिए कुछ सजेस्ट करो अच्छा सा, जिससे हमारे वीडियोस और बेटर हो सके। तो आपको फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।